गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है जुनैद। मैं हूं असद। आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं ना, कैसे हैं आप लोग? आज हम रिएक्शन करने वाले। हमने बीडीएस हेटर रोज देखा था। हाँ। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रजत पवार का रोज देखे बीटीएस हेटर्स पे, बहुत ही अच्छा रोज बनाते। तो आप लोग ये बेइंतहा रिक्वेस्ट पर ले आए। पहले तो वो थी ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम उनका, मुश्किल से मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी रोस्टर है। हाँ। चले रजत पवार के रोज देखते हैं, और बहुत रिक्वेस्ट थी वीडियो लानी बनती थी। अगर आपने रजत पवार को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनको सब्सक्राइब लाजमी कर देना, उनकी वीडियो उधर भी देखो। चले वीडियो देखते हैं। रजत पवार, फर्स्ट टाइम रजत पवार को मैं देखने जा रहा हूँ। हियर वी गो। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ कौन ऐसी हरकतें करता है यार? फिर तुम बोलते हो ये सब लड़के हैं, तुम फालतू में ट्रोल कर रहे हो। पागल औरत, ये रोस्ट कर रहे बीटीएस हेटर्स ना। अच्छा ये अच्छा। हाँ, चुकंदर में से निकले हुए मंद बुद्धि बीजे, तुम उन्हें फालतू में ही ट्रॉल कर रहे हो। रोस्ट बीटीएस का करो, वीडियो एक्सो की दिखाओ। अच्छा, एक्सो अलग बैंड है, बीटीएस अलग बैंड है, दोनों को मैच नहीं कर सकते आप। दिमाग है नहीं, मंद बुद्धि, साले कुत्तों की जिंदगी। कुल मिला के 7 लोगों का ग्रुप है जो गाना गाते हैं, जिसमें ये चिकना, एक और चिकना, अरे ये नीले बाल वाला चिकना, अबे सबके सब तो चिकने ही हैं इसके अंदर। लगता है बेचारे को दिमाग की जगह दाढ़ी मिल गई है। वैसे भी तेरी हरकतें देख के मुझे लगता नहीं तुझे जरूरत है दिमाग की। नहीं तू दाढ़ी से ही खेल। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, हेटर्स के लिए एक शायरी पेश है, सुनिएगा। म्यूजिक म्यूजिक। बीटीएस अपने म्यूजिक से फेमस है, लुक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। BTS अपने म्यूजिक से फेमस है, लुक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और तुम अपना जला हुआ पिछवाड़ा लेके कहीं और जाओ हेटर्स, नहीं तो अगली वाली तुम्हारी। सड़के तो पता नहीं इन्हें क्यों पसंद करते हैं। मुन्ना भाई, आप पसंद करते हो क्या? सॉरी माई मिस्टेक। अरे आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप तो 350 वाले हो यार, मतलब असली मर्द हो। कुछ भी कुछ भी। वाह, फिर तो तेरे हिसाब से सबसे बड़ा मर्द थी पक्का लालो का, नहीं मतलब वो तो लाखों लोगों से रोज की पप्पियां मांग रहा है। पप्पी 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 पप्पी। अबे गलत इक्वेशन में से निकले हुए केमिकल लोचे, असली मर्द वो होता है जो लड़कियों की और औरतों की इज्जत करना जानता है। मर्द है 350। सही बात है, वरना तुझे तो कोई लड़की देखती भी नहीं, भुने हुए आलू की सूखी पतली पपड़ी। या, 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 या। चुप। लोगों को पसंद आ रहा और मुझे पसंद नहीं आ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Exactly. Nobody cares about your opinion. गजब बेइज्जती है। ये बंदा इतना ज्यादा लेड़ू रोस्टर है कि जब वीडियो शुरू होती है ना तो उसको कट भी ठीक से नहीं कर पाता। इसकी शक्ल ऐसी दिखती है जैसे भीगी हुई बिल्ली की। हम बात करेंगे ऐसे 2 रुपए की रोस्टर की जिसके ऊपर सब 1-1 रुपए की लानत फेंक के मारेंगे। ज्यादा महंगी लानत फेंक के मत मानना, क्योंकि वो इतनी नाजुक कली है कि वो कमेंट से तक मूर्छित हो जाता है। Reasons why I dislike BTS. कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कौन सी चीज़ दिया? पूछा मैंने कुछ? मुझे वो कोई मिल गया था, तो क्या हो गया? कोई मिल गया, मैं अपने मराया था ना, वो कोई मिल गया कह रहा हूँ। ऋतिक रोशन की पहली मूवी थोड़ा और लंबा तो बोल दे, तो एक शब्द लिया है तो उसको भी अपवित्र कर दिया। निर्लज दुखी मानव, दुखी नहीं घटिया मानव। की हाल चाल है? हाल चाल, हाल चाल तो मेरा सेट एकदम लड़कियों का दिल टूटा या दिमाग? अरे भैया क्या बोले जा रहे हो, लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। हैं? ये लड़की है? दाढ़ी वाली लड़की? सर ये तो टट्टी है, ये तो टट्टी है। और बात रही लड़कियों के दिमाग की, तो समुद्र होता है गहरा, जहरीले होते हैं सांप। समुद्र होता है गहरा, जहरीले होते हैं सांप। लड़कियों में कितना दिमाग होता है अपनी मम्मी से जाके पूछिए आप। दाढ़ी वाली लड़की, ये है काला टट्टा, ये है पीला टट्टा, ये है टोपी टट्टा, ये है सस्ता टट्टा, ये है सड़ा टट्टा, और इसने पहना है फटा चड्ढा। ओ भैया ने टट्टे बोला, ये तो बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गया, ये तो बहुत फनी हो गया।
ये तो वेरी नाइस जोक है। ये हंस रहे हल्कट हंस। अबे नवजात शिशु के बिना दांत वाले घटिया से जबड़े, ये जो रोस्टिंग होती है ना वो फन के लिए होती है, जलन के लिए नहीं होती है। और तेर से ज्यादा फनी तो हमारा दिल फूटा आशिक है। वाह क्या दर्द है तेरी टेढ़ी मेढ़ी हरकतों में छोरे। इतना मेकअप लड़कियां खुद नहीं करती जितना कि ये सांडव कर रहे हैं। वाह मेकअप की बात भी कौन कर रहा है जिसने खुद ने खुद की वीडियो पे 4444 फिल्टर मारे हुए। वाह छे लानत है छे धिक्कार है। देखो भाई ना तो हमारी इंग्लिश अच्छी है और ना हमको कोरियन आती है और ना तुम्हारी शक्ल अच्छी और ना तुम बातें अच्छी करते हो, तो कहीं रजाई में जाओ और अपना मुंह छुपा के रो लो थोड़ा सा। अच्छा लगा शुद्ध पक, शक्ल तो तेरी भी अच्छी नहीं है शुद्ध पक। भाई घर पे मुजरा ना करके बाहर जाके मुजरा करो, इससे तुमको और ज्यादा पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा। इसके हिसाब से पूरा बॉलीवुड सिर्फ मुजरा कर रहा है, पूरे आर्टिस्ट मुजरा कर रहे हैं, जिसको भी डांस करना आता है वो मुजरा कर रहा है ना। अबे वो इतने ज्यादा अमीर है जो तू पैसों की बात कर रहा है, इस कमजोर मानसिक स्थिति वाले मानव, इतने ज्यादा पैसा मिलता है उनको एक शो या एक वीडियो एल्बम का कि तेरे जैसे छे तो वो पालतू रख ले अपने गेट के पास भौ भौ करने के लिए। वैसे रख ही लेना चाहिए, कम से कम यूट्यूब पे थोड़ा कम भौ भौ होगा। भौ भौ करता हुआ अच्छा लग रहा था तू, लड़ा बजा रजत, लड़ा बजा दोबारा। भाई साहब ना दाढ़ी आती है ना हिंदी आती है, फिर भी लड़कियों को यही चाहिए। वो कोरियन है उन्हें हिंदी क्यों आएगी, बिना दिमाग वाले अविकसित पोकेमोन। ओ सॉरी पोकेमोन की बेइज्जती नहीं सॉरी। और हाँ उनकी हिंदी की बात कर रहा, तुझे जापानीज आती है हैं बाका। यार मैं रोज सुबह उठकर नहाता हूँ, फिर बालों में सरसों का तेल लगाता हूँ। जैसा तेरा मुंह है सांडे का तेल लगा जाके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो पसंद तो आया होगा, लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं 200 के लाइक्स के लिए। भाई 2,00,000 अगर लाइक हो जाते हैं तो हम इसके साथ इसका एक और पार्ट निकाल देंगे। जैसे कि इन दोनों की वीडियो मुझे बहुत से लोगों ने डीएम में भेजी, लिंक भेजा इनका, तो इसलिए मैंने इनको रोस्ट किया। इनको फेमस नहीं करना चाहते इसलिए इनका नाम नहीं लिया कहीं पे भी। और मुझे पता है इनमें से कुछ लोग मेरे को रोस्ट बैक भी करेंगे। हाँ तो इन्हें छोड़ो फर्जी बातें, और वीडियो को देख लिया अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आए। ओके जैसा कि बताया था बर्थडे तक 200 के करना है, इंस्टाग्राम पे ये रही आईडी पधारो। दोस्त किया है तो कैसा लगा आपको दोस्त? धन्यवाद, तो बहुत अच्छा लगा काफी, और बिल्कुल काफी मजा आ रहा था। मजा तो काफी आ रहा था, लेकिन यार वो रोज किस चीज का कर रहे थे यार? पहले कर रहे तो बीटीएस का ही था, लेकिन कुछ समय ये रोस्ट होता है यार, दाढ़ी नहीं आ रही ये रोस्ट है। वाह भाई वाह, बल्कि उनकी दाढ़ी है यार, वो कटिंग करते हैं। और किस चीज पे रोस्ट कर रहे? हिंदी नहीं, हिंदी क्यों नहीं आती भाई? वो कोरियन है, हिंदी क्यों आएगी भाई उनको? आपको कैसे हिंदी आएगी? हिंदी क्यों आएगी, क्यों सीखेंगे भाई हिंदी को? हाँ यार पागल वाली बात है यार। और क्या था, और क्या पॉइंट था, और किस चीज पे रोस्ट कर रहे थे हमें? और ये भी बोल रहा था हमें कोरियन नहीं आती भाई, तो बीटीएस ने थोड़ी बोला है कि कोरियन सीखो हमारे गाने के लिए भाई, उनका टैलेंट पसंद आया सीखो, नहीं सुनना तो सॉन्ग क्यों देख रहे हो भाई रोज करने के लिए? यार मजा आ गया, अच्छा रोज किया भाई ने, और बहुत अच्छी वीडियो थी, तो इनको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, मजा आ गया। और क्या कहना चाहेंगे रोस्टर के बारे में आप? यार रोज तो अच्छा किया है इन्होंने, नहीं रोस्टर वो जो रोज कर रहे थे बीटीएस को, वो तो मतलब ना कोई सर था ना कोई पांव था, मतलब रोस्ट के लिए तुम अच्छा कंटेंट तो लेके आओ ना कोई, और रिसर्च करो। सिर्फ एक ही बात मिली हुई थी कि दाढ़ी नहीं आ रही, और मतलब बस यही बात है। चिकन बहुत कर रही है, लड़कियां बहुत पसंद कर रही हैं यार, तो लड़कियां पसंद कर रही है तो जल क्यों रही है? हाँ आप क्यों जल रही है? लड़कियों को अगर वो पसंद है तो है, आप भी उस तरह के बनो, उनके जैसे लुक करो, उनके जैसी आवाज, टैलेंट लाओ, उनके जैसा टैलेंट लाओ। लुक तो कैड है, लुक की वजह से भी नहीं फेमस वो, ज्यादा टैलेंट की वजह से फेमस। यार देखो लुक की वजह से भी किसी हद तक है, लेकिन पहले वो टैलेंट के दम पे लाए ना, लुक की वजह से थोड़ी। लुक तो कोरियन ज्यादातर ऐसी होती है, कोरियन दिखते ही अच्छे है, तो अब क्या सब सबके पास टैलेंट थोड़ी, सबके सब पे लड़कियां मरती है? नहीं ना, बीटीएस पे मरती है ना, तो टैलेंट।
आप लोग भी कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, और भी कोई ऐसी वीडियो भी कमेंट करके बताओ, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करो, और रजत पवन को भी जाके सब्सक्राइब करना। हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा।